हम लोग एक और नई शुरुआत और हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग जा रहे हैं बर्दी बांस साथी आया है मेरा मित्र गायन का तो उनसे मिलने जा रहे हैं और जाने से पहले मेरा मित्र बोल रहा है पंजे लाने के लिए तो अभी खेलते हैं आ जाओ मित्र तो अभी यहाँ पर रखते हैं मोबाइल फोन और खेलते हैं आ जा प्रया इधर सोच कर हाथ पीछे का हाथ पीछे का लो आ जा तो मित्रों मैं जीत चुका हूँ और मेरा बॉडी भी देखिए बहुत तगड़ा बन चुका है अभी तो ये मेरा मित्र जो मेरे से हारा है पंजा में तो अभी हम लोग अभी निकलते हैं अब हेलमेट रूम पे है तो रूम पे हेलमेट लेंगे और निकलेंगे बर्दी बांस जाएंगे क्योंकि आज कुछ स्पेशल खाने वाले हैं वहाँ पे तो अभी निकलते हैं तो हेमलो जी तो जाने से पहले एक और तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि पहला बार मैं जीत गया था लेकिन दूसरे बार में ड्रॉ हो गया मैच तो अभी अब आ गए अपने गाड़ी के पास और गाड़ी लेते हैं अपनी बसंती को और निकलते हैं सीधा ये रास्ता होकर के बर्दी बांस तो अभी अपने रूम में मिलेंगे जहाँ की हेलमेट लेना है और थोड़ा चश्मा भी लगाना है क्यों छोटू लगाना है ना क्या करना है छोटू चश्मा लगाना है ठीक है तो अभी छोटू भी बोल रहा है चश्मा लगाने के लिए तो चश्मा लगाएंगे रूम में जाएंगे हेलमेट लेंगे और वहां पर जा करके बम्बई के भेलपुरी तो क्या खिलाए तो मिलते हैं अभी रूम में तो हेमलो जी मैं रूम से आ चुका हूँ और थोड़ा फेस को क्लियर कर लिया हूँ और विंड शीटर भी लगा लिया हूँ क्योंकि कार थोड़ा ठंड ज़्यादा होने वाला है और तो हम लोग निकल चुके हैं तीन जन गाड़ी पे और इधर से लाइट का रिफ्लेक्टर है तो इसीलिए इधर से कर रहे हैं देखते हैं कैसा आता है तो अभी जा रहे हैं मुंबई लखनऊ पानीपुरी खाने हम लोग बर्दी बांस में तो हम लोग निकल चुके हैं मित्रों हम लोग आ चुके हैं इस जंगल वाले रास्ते में क्योंकि एक हाईवे जो था जिस हाईवे से हम लोग आ रहे थे वो हाईवे पे मामा लोग बैठ रखा था चीट काटने के लिए तो हम लोग तो जाने बहुत बुद्धिमानी भाग्यशाली तेजस्वी लोग तो आगे शॉर्टकट रास्ते और ये शॉर्टकट रास्ता जो है ना बहुत ही लंबा पड़ने वाला है तो कोई नहीं अगर कुछ पाने के लिए कुछ खाना पड़ता है मानते ना तो अभी चलान करता है 1500 का देखिए ये इंडस्ट्रियल एरिया है शुगर फैक्ट्री जहाँ की शुगर जो है उत्पादन होता है तो अभी हम लोग इस रेत वाली रास्ता से होकर के गुजर रहे हैं क्योंकि बहुत ही कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है अब 1500 रुपया बचाने के चक्कर में तो भाई ये कठिनाई तो कुछ नहीं है समझते हैं ना 1500 में कितना भेलपुरी चलेगा तो आज चलेगा भेलपुरी ईश्वर दवा को खिलाएंगे भेलपुरी कभी आगे दूसरे हाईवे है बीच में उस हाईवे पे मिलते हैं ठीक है हेमलो जी ब्लॉग फिर से स्टार्ट हो चुका है मैं बीच में हूँ और मैं खड़ा हो चुका हूँ और ये देखिए इधर का रास्ता है हम लोग बाहुबली बन के नहीं सुपरमैन बन के जा रहे हैं क्योंकि बाहुबली पार और ये थोड़ा किकिया रहा है इसमें ज्यादा दुख हो रहा है और जो परसूति गिरी में से दुख होता है वही दुख हो रहा है इसे तो अभी इनको अभी हॉस्पिटल में ले जाते हैं बर्दी बांस सरकारी हॉस्पिटल तो वहीं पे दवाई करवाते हैं और आगे हाईवे भी आ चुका है जो कि वो हाईवे भी झूला की रात मार गया और ये हाईवे झूला की रात मार गया क्योंकि 3-4 किलोमीटर के बीच में ही है तो हम लोग बीच होकर के निकल गए और यहाँ से भी है 4-5 किलोमीटर बर्दी बांस तो हम लोग सीधे यहाँ से देखिए ये हाईवे है दोनों बगल से हाईवे है हम लोग बीच में रहते हैं नहीं उस हाईवे पे रहते हैं इस हाईवे पे आ गए
तो अभी निकलते हैं बहुत ही तेजी से, क्योंकि मेरा दोस्त का जो मित्र है बहुत ही समय से इंतजार कर रहा है। तो हेलो जी, हम लोग बर्दीवास आ चुके हैं और मेरा मित्र है, उनका ये मित्र है जो ड्राइविंग लाइसेंस का आज ट्रायल था। तो आप तो पास हो चुके हैं ड्राइविंग लाइसेंस ट्रायल में? मजाक कर रहे हैं हमारे साथ? नहीं नहीं, मजाक नहीं, सीरियस है। कौन सा भारी बात है? तो कितना डिविजन से पास हुए आपने? माइनस माइनस मार के नहीं? ना ना, का माइनस हो गया, वैसे माइनस हो जाएगा, जबरदस्ती माइनस कर देगा। ये पास हो गया है, ये सर भी पास हो चुका है। तो अभी हम लोग तो पास हो गए, हम लोग गाड़ी पास हो चुके हैं। तो अभी थोड़ी देर में मिलते हैं, थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो हेलो जी, हम लोग आ चुके हैं पानी पूरी खाने। ये जो दही पूरी पानी पूरी है, यहाँ पे खाने आ चुके हैं। और ये भैया जी जो है बहुत मस्त बेस्ट पानी पूरी बनाता है। तो भैया जी कुछ बताइए अपने पानी पूरी के बारे में, कुछ कहना चाहते हैं? रिकॉर्डिंग कर रहे हो क्या? अरे ब्लॉग बन रहा है, समझ रहे हैं ना आप? इंडिया से यही इसी चीज से परेशान होकर के आए होगा। भैया जी जो है लखनऊ से आए हैं, आज हम लोग नेपाल में लखनवी पानी पूरी खाने वाले हैं, वो भी मस्त स्वाद के साथ, मजा आ जाता है भाई। हम लोग आज एक इससे पहले दिन भी आए थे, खाए थे तो स्वाद बहुत ही अच्छा लगा था, फील आया था कि लग रहा था कि हम दिल्ली में ही खा रहे हैं। तो आज पीड़ा आ चुके हैं और यहाँ पे भैया जी मिक्सअप कर रहे हैं और दही पूरी और पानी पूरी दोनों खाएंगे। तो देखिए ये दोनों बहुत ही आगे है खाने में, पकड़ चुका है। क्या ले रहे हो भाई? खा रहे भाई? ये चप खा रहे हैं, ये चप है, चप आप लोग तो देखा नहीं होगा। चप है ये कहाँ का चप है भाई? ये खा रहा है चप, ये ले। मजा आ गया भाई, तुम्हें कैसा लगा? वीडियो बंद कर बात बता। तो अभी हम खाते हैं फिर मिलते हैं। तो हेमरा जी, हम लोग आए थे पानी पूरी खाने के लिए जो कि यहाँ पे है, और इसके साइड में ही एक बैम्बो कॉटेज है जो कि देखिए बैम्बो कॉटेज नाम से है, बर्दीवास बैम्बो कॉटेज, लेकिन एक ही बैम्बो का कॉटेज दिया है और बैम्बो कॉटेज का नाम रख दिया है, बहुत ही वायरल चलेगा ये। तो अभी ये लोग खा रहा है, मैं खा चुका हूँ, मैं दही पूरी खाऊंगा और लोग खाने तो भूख कर लोग, ये लोग समझ रहे हो ना? तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में भूख कर लोग को बाद में। तो हम लोग पानी पूरी खा चुके हैं और अपना दूसरा डिश बन रहा है जो कि उसका नाम है दही पूरी। तो अभी भैया जो है दही पूरी बना रहे हैं हैंडमेड, और यहाँ पे अभी पानी पूरी और दही पूरी मिलता है। कुछ दिनों बाद और कुछ आइटम ऐड होने वाला है, क्या क्या होने वाला है? बेलपूरी मिलेगा, बेलपूरी और दही पूरी और पानी पूरी और आलू पटेर का टिक्की मिलेगा। अच्छा, मतलब बड़ा सा ठेला बनवाइएगा। अच्छा, एक और बन रहा है, रेडी हो रहा है। अच्छा, दस दिन बाद हो जाएगा चालू उसमें। अच्छा, तो आप लोग जितना भी इधर लोकल एरिया में हैं जो एकदम बेस्ट इंटरनेशनल स्वाद लेना चाहते हैं पानी पूरी का, आकांक्षा पानी पूरी सेंटर, तो आकांक्षा पानी पूरी सेंटर में आइए बर्दीवास। और ये देखिए यहाँ पे रेट भी लिखा है और ये मोबाइल नंबर है, फोन कीजिए। और क्या कैसा रेट है, एकदम मस्त। और यहाँ नंबर है, मोबाइल नंबर, और ये इसका नाम हो चुका है आकांक्षा पानी पूरी सेंटर। ये बैम्बो कॉटेज के सामने पे ये आकांक्षा पानी पूरी सेंटर है। तो आप लोग आइए और इंटरनेशनल पानी पूरी का और दही पूरी का स्वाद लीजिए। तो अभी जो प्रोसेस है देखिए, बहुत ही मस्त तगड़े तरीके से बनता है, देखिए कैसे कैसे बनता है। और भैया बहुत बड़ी शिद्दत से बना रहे हैं दही पूरी, और मेरा मित्र लोग ऐसे देख रहा है जैसे कभी देख रहे, इसका इसका रिएक्शन तो देखो, देखो देखो भैया मुस्कुरा दिए। डेंजर कमिंग नहीं, दही पूरी कमिंग। तो अभी देखिए दही ऐड होने वाला है जो कि अभी भैया उसमें रख करके मिक्स करेगा, फिर यहाँ पे रखेंगे। तो
दही पूरी आते ही खाएंगे इसको मस्त स्वाद चखना चखना मस्त लगता है। मस्त नहीं आप ये दोनों है ना काम का आदमी नहीं है। हाँ उसको बोलता है रात कचौरी जो बड़ा वाला पानी पूरी जो होता है उसमें दही वही सब रखता है तो इसको रात कचौरी बोलता है। तो यहाँ पे रेडी होने का लास्ट स्टेज में आ चुका है और मेरा मित्र गाना गा रहा है। मित्र गाओ कौन सा गाना था रबड़ी बनारस वाले तो गाना बज रहा था रबड़ी बनारस वाली तो के खिलाए बम्बई के भेलपुरी जो गाना है तो ये लखनवी भेलपुरी नहीं दही पूरी है और पानी पूरी है तो हम लोग खाते हैं। और आप देखिए भाई तुम क्या खाने आए हैं यहाँ पर हैं क्या कितने का कैसा लगा स्वाद टेस्ट कैसा था खाना वाना नहीं खा करके आए हो टेस्ट कैसा लगा बोलो थोड़ा जोर लगा करके जितना पानी पूरी खाए उतना उसका पावर तो दिखाओ। तो भाई जो है थोड़ा बोलने का कगार में नहीं है क्योंकि पानी पूरी ज़्यादा खा लिया है तो अभी मैं बोल रहा हूँ अपना दही पूरी रेडी हो गया है अपना दही पूरी रेडी हो चुका है तो अभी इसको खाएंगे मस्त रबड़ी बनारस वाली। तो अभी खाते वक्त मिलते हैं इंडियन अगर सारा का सारा मैं खा जाऊँगा अबर दबर करके एकदम इतना फास्ट खाऊँगा कि। तो हम लोग अभी अपना दही पूरी स्टार्ट हो चुका है तो हम लोग अभी खाते हैं पूरी देखिए ना करा सब खा जाएगा मैं तीन खा गए बेस्ट टेस्ट मैं भाग आया वहाँ पर। पेमेंट देते हैं भैया को हम निकलते हैं। तो भैया जी कुछ बोलना चाहिए या? सब बढ़िया है अच्छे से सब लोग आइए यहाँ पे पानी पूरी खाइए दही पूरी खाने आइए गाजीबास एरिया में ना। तो अभी मिलते हैं रास्ते में ये खाना है ना अबर दुबई। तो आज हम लोग पानी पूरी और दही पूरी खा लिए हैं तो आज के लिए इतना ही। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा आपका डीआरएनडी राइडर लाइव से पीछे और दही पूरी पानी पूरी खाना मत भूलिएगा बद्रीनाथ एरिया में आइएगा। तो ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में।